अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि गांव देहात के अंदर जो घास के गोदाम होते हैं वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं। जब असूज का मौसम होता है तो उसमें घास कटाई होती है, लोग मुख्तलिफ लोगों को कहकर या मजदूरी पे अपने घास की कटाई करते हैं, फिर दूर दराज इलाकों से कंधों पर उठा कर लाते हैं, चूँकि सड़क की सहूलत मौजूद नहीं होती है हर जगह पर। गाँव देहात के अंदर ज़ाहिर पहाड़ी इलाका है तो लोगों की मदद हासिल की जाती है इस तरह से। ये देखें, अभी ये घास बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो अभी इसका जो है ना गोदाम बनाया जाएगा। उसके लिए वो उधर आगे जगह है, वहाँ पर एक बंदे की खिदमत हासिल की जाएंगी जो वो गोदाम तैयार करके देगा। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो पूरा तरीका हम आपको बताएंगे, तो आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। तो इस वक्त देख सकते हैं ये घास का गोदाम जो है ना तैयार किया जा रहा है। तीन लोग हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, एक दो बंदे जो हैं हेल्पर है, एक बंदा जो है वो देखें किस तरह है तरतीब से जो है ना वो तय लगा रहा है घास की। इसको जो है ना फाइनली पे इसके ऊपर जो है ना तरसा डाला जाता है, यानी कि कवरिंग की जाती है ताकि बारिश से इसको बचाया जा सके। तो वो भी हम प्रोसीजर पूरा आपको दिखाएंगे। तो ये थी वीडियो जो कि हमने आपको दिखाई है कि गांव देहात के अंदर घास के गोदाम किस तरह तैयार किए जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWA TV उर्दू।